जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कल 3 तारीख से एमपी पुलिस के फिजिकल वापस कंटिन्यू यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनका आगामी दिनों फिजिकल है, जैसे जो भी स्टूडेंट कल फिजिकल देने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी के साथ उनको जाना है, वैसे ऑलरेडी आपको पहले इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, बट फिर भी एक बार फिर आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटजी के साथ आखिरकार वहां पर ग्राउंड पर जाना है, कैसे क्या आपको फिजिकल वहां पर देना है। तो जो भी स्टूडेंट का कल फिजिकल है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर कहीं दूर आपको फिजिकल सेंटर मिला है तो आप एक दिन पहले वहां पर पहुंचे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट आपका अगर फिजिकल है कुछ ही दिनों बाद या कल या परसों जब भी, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट इससे मिले, क्वालिफाई करने में थोड़ी बहुत हेल्प आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज, आपको जरूरत है यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट की। अगर कहीं दूर आपको फिजिकल सेंटर यहाँ पर मिला है तो आपको जो है कि अगर रेस्ट आपको प्रॉपर करना है, प्रॉपर रेस्ट अगर आपका है तो बॉडी आपका अच्छे से वर्क करेगी, आपको एक अपने आप में एक एनर्जेटिक फील होगा कि हाँ बॉडी के अंदर एनर्जी है, और आपको जो है फिजिकल करने में वहां पर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, पास आउट करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे मेन चीज जो है, आपको 2 से 3 चीज है, आपको सबसे जो पहली चीज है आपको आपको करना है रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट के साथ आपको जाना है। कहीं दूर सेंटर आपको मिला है तो आप एक दिन पहले वहां पर पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन वहां आप होटल वगैरह लेकर आप आराम से रेस्ट करें, प्रॉपर अपनी बॉडी पर रेस्ट दें ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। दूसरी चीज फिर आती है आपकी, उसके पहले आपको सही से डाइट लेना है, साथ में ग्राउंड जाते टाइम, ग्राउंड जब भी आप एंट्री करते हैं उस टाइम आपको वहां पर कुछ चीजें आपके साथ में लेकर जाना है। क्या क्या चीजें आपको साथ में लेकर जाना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी भी और बता दूंगा। तीसरी चीज आपको जो यहां पर चाहिए वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिजिकल के लिए यहां पर तैयार करना है। तो 3 चीजें जो कि आपको फिजिकल पास आउट करने में काफी ज्यादा यहां पर हेल्प करेगी। सबसे मेन जो चीज है, रेस्ट आपको प्रॉपर करना है। प्रॉपर रेस्ट मतलब फिजिकल से 2 दिन पहले तो आपको फिजिकल बंद कर देना है, ऑलरेडी नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना है। उसके बाद जहां भी आपको सेंटर मिले, अगर दूर सेंटर मिला है तो आपको एक दिन पहले पहुंच जाना और अच्छे से वहां पर रिलैक्स करना है। दूसरी चीज, आपको डाइट अच्छे से लेना है नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है अभी मौसम में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, किसी दिन ठंडा हो रहा है, किसी दिन गर्म हो रहा है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर क्या है कि तबीयत खराब हो रही, तो आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि जो है डाइट का आपको नॉर्मल, और पानी ज्यादा से ज्यादा आपको पानी का यूज करना है। तीसरी चीज है कि डॉक्यूमेंट आपको पहले बता चुके थे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे कि आपका सबसे मेन चीज हुआ है 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको लेके जाना है, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना है, उसके बाद आपको अपना रोजगार पंजीयन लेके जाना है, जाति मूल निवासी लेके जाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिनका रिन्यू करवाया नया बनवाया उनको दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पर लेके जाना है। तो ऐसी कोई सी मिस्टेक आपको नहीं करना है जिससे आपको फिजिकल से वंचित होना पड़े, फिजिकल से आपको बाहर होना पड़े। जैसे कि कोर्ट का फैसला आया तो कुछ बच्चों को हो सकता है डबल से फिजिकल देने का मौका मिले, तो ऐसा यहाँ पर हर बच्चे के साथ में नहीं होगा, इसलिए आप पूरी स्ट्रेटजी के साथ वहां पर जाएंगे और अपना जो है फिजिकल वहां पर क्वालिफाई करके आएंगे। तो प्रॉपर जो चीजें फर्स्ट आप प्रायोरिटी देंगे रेस्ट को, रेस्ट आप करेंगे तो ही आपकी बॉडी वहां पर अच्छे से वर्क करेगी। दूसरी चीज है डाइट। तो डाइट में क्या है, आपको नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह सीजनेबल फ्रूट्स आप खाइए, लिक्विड पे आप थोड़ा सॉलिड पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मौसम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म है। अगर आप ज्यादा मसाले वाली चीजें या हार्ड खाना खाएंगे तो हो सकता है कि आपको तबीयत आपकी खराब हो, और जहाँ फिजिकल आप देने जाएंगे तो हो सकता है आपको वहां पर दिक्कत हो जाए। तीसरी चीज आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे रेडी कर लेना है, 10th 12th मार्कशीट, जाति मूल निवासी, आपका आधार कार्ड, आपका रोजगार पंजीयन, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट पहले बताए गए थे वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना, आपके फोटो। फोटो में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर फॉर्म डालते टाइम जो फोटो लगाए थे वही फोटो लेके जाना। फोटो आप यहाँ पर कोई से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पुराने नए जो भी आपके पास में है, और वही एक एक फोटो कापी, दो दो फोटो कापी आपको साथ में वहां पर लेके जाना है। तो ये हुआ मेन चीज। अब तीसरी चीज ये है कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना दिया था, क्योंकि अभी क्या है कि हवाएं डेली कंटिन्यू, मतलब एक तो चल तो डेली रही है, उसके बाद क्या है कंटिन्यू चेंज भी हो रही, कभी दिशा वहां का चेंज हो रही,
तो आपको उसको लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एफर्ट फुल एफर्ट आपको लगाना है, क्योंकि लास्ट चांस आपके पास में रहेगा। तो आप जब भी ग्राउंड के अंदर एंट्री होते हैं तो एक ही बात समझ के जाना है आपको, सोच के जाना है कि ग्राउंड पास करके ही इस ग्राउंड से मैं बाहर निकलूंगा। कुछ भी हो, कुछ भी आपको करना पड़े, कुछ भी आपके साथ में नहीं होगा, आप सिर्फ एक ही बात यहाँ पर सोच के जाएंगे कि यार ग्राउंड पास आउट करके ही बाहर निकलना है। एक स्ट्रेटजी आपको लगाना है, ये 400 मीटर का ट्रैक है, इसके दो राउंड आपको लगाना है 2 मिनट 45 सेकंड में। तो आपको दिमाग में यही चीज फिट होना चाहिए कि 2 मिनट 45 सेकंड से पहले यहाँ पर मुझे 2 राउंड इसके कंप्लीट करना है। तो आप दोस्तों 100% श्योरिटी के साथ इसका आप जो है कंप्लीट कर जाएंगे। दिमाग में अगर एक बार भी अगर ऐसा आ गया कि यार नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊंगा या हवा चल रही है ऐसा हो रहा है मौसम ऐसा हो रहा है, तो आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। कुछ भी हो, सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, 2 राउंड और 2:45 के अंदर 2 राउंड आपको मारना है 100%। आपने अगर पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव आपके साथ में हो, नेगेटिव आपको एक बार में यहाँ पर नहीं सोचना है, मेन चीज। दूसरी चीज आपको क्या है, जो पहले भी आप देखो पहले वाली सारी चीजें पहले वाली यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूं, बात आती है एंट्री की, तो आपको क्या करना है, एंट्री की बात आती तो आपको क्या करना है, मिनिमम 4 बजे आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 4:30 बजे से आपको वहां पर फिजिकल, अब जो है कि जो गर्मी कारण आपका फिजिकल लेट हुआ था, अब 4:30 बजे 4 बजे से आपको फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी इसके पहले जब भी हम इंदौर के जो पीटीएस के बाहर एनालिसिस के लिए जाते हैं तो वहां पर लगभग 8 बजे सभी बच्चों का फिजिकल कंप्लीट हो जाता था। तो इंदौर के अंदर तो बहुत ही सिस्टमेटिक बहुत अच्छे से फिजिकल हो रहा, बाकी जगह भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आपको कहीं भी सेंटर मिले आपको 3:30-4 बजे वहां पर पहुंच जाना है। जितनी जल्दी नंबर आएगा उतना ही जल्दी आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा उस चीज का कि आपका फिजिकल जल्दी होगा। वैसे तो अभी मौसम ठंडा चल रहा है, आपको पता है नॉर्मली 7-8 बजे तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर जल्दी एंट्री होती है तो लगभग 8-8:30 बजे तक वहां पर सभी का फिजिकल जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो रनिंग में दोस्तों सबसे मेन चीज है माइंड सेट आपको करके जाना है, 2 राउंड का 2:45 के पहले आपको वहां पर मारना है। अगर माइंड सेट आप करके जाएंगे तो 100% आपका फिजिकल कोई भी रोकने वाला नहीं है। रही बात शॉटपुट की, तो शॉटपुट के साथ आपको क्या फ्रेंक रहना है, शॉटपुट के साथ अपना है जो कॉन्फिडेंस के साथ में आपको शॉटपुट फेंकना है, जो नॉर्मली 19 फीट आपको शॉटपुट फेंकना है। तो आया था कुछ बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर शॉटपुट का वीडियो बनाकर डाल दीजिए, तो जो नेक्स्ट वीडियो वो शॉटपुट के ऊपर ही बनाकर डाल रहा हूँ कि आखिरकार आपको शॉटपुट कैसे अपना इंप्रूव करना है। बहुत सारे बच्चे इनका शॉटपुट नहीं जाता है, तो आपको कैसे इंप्रूव करना है, एक सिर्फ हर चीज में आपके कॉन्फिडेंस का खेल है, आपका माइंडसेट कैसा है और कुछ भी नहीं है। फिजिकल के अंदर रनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ है माइंडसेट का खेल। माइंड में आपने सोच लिया कर जाऊंगा तो आप कर जाएंगे, अगर जरा सी भी नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आई तो वहां पर हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई या कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको मैंने बोला रेस्ट, दूसरी चीज आपकी डाइट, तीसरी चीज आपके डॉक्यूमेंट, और पानी का आपको भरपूर उपयोग करना है जितना ज्यादा हो सके। हो सके तो 1-2 दिन पहले आप ग्लूकोज के साथ या ऐसा कुछ यूज करें जिससे आपका शरीर में बराबर एनर्जी बनी रहे, क्योंकि मौसम के मार से आपको यहाँ पर नहीं रुकना है, क्योंकि मौसम ऑलरेडी डेली चेंज हो रहा है। बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो इन चीजों से बचने के लिए आपको भरपूर पानी का यहाँ पर प्रयोग करना है। दूसरी चीज जो आप फिजिकल देने के अंदर जाते हैं आप, तो बैग के अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो विशेष आपको लेके जाना है। सबसे मेन चीज आपको लेके जाना है पानी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपको ग्लूकोज का एक पैकेट लेके जाना है या पानी के अंदर इसको मिक्स करके ले जाएं। दूसरी तीसरी चीज आपके यहाँ पर आती है, कुछ भी लेके जाए तो या केला लेके जाएं या सेब या बिस्किट, कुछ चीजें साथ में लेके जाए। अगर कुछ लेट लतीफ होता है तो आपको यहाँ पर खाने का जो है कि अगर रहेगा पास में तो आपको एनर्जी भरपूर रहेगी, वीकनेस टाइप यहाँ पर नहीं होगी। आप डार्क चॉकलेट भी लेके जा सकते हो अगर इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए तो ये चीजें हैं जो आपको विशेषकर। उसके बाद आप ब्लैक कॉफी का यूज कर सकते हैं, अगर है आपके पास में कुछ ऐसा कि आपके पास आप कॉफी बना कर ले जा सकते हैं जिससे आपकी कॉफी गर्म रहे, तो आप ब्लैक कॉफी भी पी सकते हो जिससे आपको काफी ज्यादा एनर्जी वहां पर मिलेगी। तो दोस्तों नॉर्मली है, कुछ चीजें आप साथ में रख के जरूर लेके जाएं। अगर फिजिकल में जैसे 4 बजे आप लाइन में लगते हैं, 6 बजे तक आपका नंबर आता है, तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी है कि जो आप साथ में रहेंगे तो आपको बराबर यहाँ पर एनर्जी
मिलती रहेगी थोड़ा बहुत। देखो भूखे पेट अगर आप सोच रहे हो फिजिकल देने का तो वो भी आपको नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी है जैसे आप डार्क चॉकलेट यूज कर सकते हो, जो इंस्टेंट आपको एनर्जी, ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हो, केला यूज कर सकते हो, सेब यूज कर सकते हो थोड़ी देर पहले आपको खाना। और इन दो चीजों का आपको भरपूर प्रयोग करना है, या तो पानी के साथ आप ग्लूकोज मिक्स कर लीजिए, या पानी तो आपको जितना ज्यादा हो सके पीना है। जिनका आगामी दिनों में फिजिकल है उनको भी ये विशेषकर ध्यान रखना है पानी को लेके। बाकी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सभी लोग जो है जिनका फिजिकल है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से वहां पर जाइए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। सिर्फ एक सिर्फ कॉन्फिडेंस ऐसा है जो आपको वहां से बाहर निकाल के ले जाएगा, मतलब आपका फिजिकल क्वालिफाई कर जाएगा। या तो दम निकाल के आना या दौड़ निकाल के आना, एक ही लक्ष्य आपको रखना है, या दम निकलेगा या दौड़ निकलेगी, दो चीज में से एक चीज हो जाएगी। तो दौड़ निकाल के आना है, दम तो निकलेगा नहीं। 800 मीटर रनिंग आपको नॉर्मली करना है, और किसी भी ऐसी चीज का यूज ना करें जिससे आपका फिजिकल खराब हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, अपने वर्कआउट पे जो है भरोसा रखे, जो आपने वर्कआउट किया है उसका रिजल्ट ये देखने का आपके पास में मौका है कि आपने जो परफॉर्मेंस दिया है, अगर हो सके कुछ कारणवश कुछ दिक्कत आती है तो आपको अगले जो है नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसमें आपको कैसे अपना आपको प्रिपेयर करके जाना है, कैसे अपना आपको तैयार करके जाना है, ये सारी चीजें आपको यहीं से सीखने को मिलेगी। इसलिए किसी भी गलत चीजों का यूज फिजिकल के दौरान ना करें जिससे कुछ अनहोनी हो या कुछ घटना घटित हो। इसलिए नॉर्मल अपने प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, जिससे कि आपको है जो है कि फिजिकल देने में वहां पर कोई दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से आप फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका कल फिजिकल है, जिनका आगामी दिनों में फिजिकल है, सभी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिनका आगे फिजिकल वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप या तो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। कोशिश रहेगी आपका हर डाउट का यहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा, और कुछ रहा ऐसा नहीं दे पाए तो आप कॉल कर लीजिए, नंबर में मेंशन करता हूँ हर वीडियो के अंदर। और भी कुछ अगर आपको हेल्प लगती है तो आप कॉल कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना, रेस्ट, डाइट, डॉक्यूमेंट, सारी चीज आपको अपना प्रिपेयर करके जाना है। और एंट्री का आप विशेषकर ध्यान रखें, 4:30-4 बजे आपको पीटीएस के बाहर एंट्री मतलब वहां पर करना है। उसके बाद आपको जब भी एंट्री मिलती है 4:30-4 बजे अगर आप पहुंचे तो 5:30-5 बजे आपको फिजिकल हो जाएगा, और 7:30-8 बजे तक सभी बच्चे वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि एक दिन में 200 बच्चे वहां पर बुला रहा है, जिसमें से लगभग 160-165 बच्चा फिजिकल देने पहुंच रहा है। तो ज्यादा बच्चे नहीं है, जल्दी फिजिकल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नए सिलेक्शन के साथ। कल जैसे बच्चों के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो डेली आपको बच्चों से मीट कराएं, रूबरू करवाएंगे कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।